ओम शांति। आप सबको स्वागत है 6 जून के ईश्वरीय वरदान में, जहाँ परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि हम हल्केपन के द्वारा जो दुनिया की अवस्था है आज, उसमें रहते हुए, हल्के रहते हुए, भारीपन के वातावरण में भी हल्के रहते हुए अपने सारे कार्य को पूरा करें और परमात्मा के जैसे बने रहें हम। तो देखें, परमात्मा कहते क्या हैं, शिव परमात्मा कहते हैं, अपने हल्केपन की स्थिति द्वारा हर कार्य को लाइट बनाने वाले, हल्का बनाने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भवा, प्यारे भी और साथ ही साथ न्यारे भी, डिटैच्ड भी, समझते हैं इसको। मन, बुद्धि और संस्कार, आत्मा की तीन ये शक्तियां हैं, मन है, बुद्धि है और संस्कार, ये आत्मा के अंदर हैं। साइंस वाले कहते हैं कि मन और बुद्धि ब्रेन के अंदर है, लेकिन जो आध्यात्म को समझते हैं और जो पुनर्जन्म को मानते हैं, वो यही समझते हैं कि ब्रेन तो अगले जन्म में जाने वाला नहीं है, तो सोचने वाली आत्मा है, कर्म करने वाली आत्मा है, कर्म का फल पाने वाली भी अगले जन्म में आत्मा ही है। तो मन, बुद्धि और संस्कार, आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, तीनों में लाइट अनुभव करना, मन भी हल्का हो, बुद्धि भी हल्की हो, इसको लाइट अनुभव करना, यही बाप समान न्यारे प्यारे बनना है। आपने कुछ कार्य किया, आपने प्यार से कार्य किया, शांति से कार्य किया और आप डिटैच हो गए। ये नहीं कि वहाँ वेट करते रहे कोई तो अच्छा बोले, कोई मेरे बारे में अप्रिशिएट करे, कोई मुझे फल मिले इसका, कोई रिटर्न मिले मुझे इस कार्य का, नहीं, वो फिर डिटैचमेंट नहीं हुई। तो कर्म किया एंड देन डिटैचमेंट बनना है, क्योंकि समय प्रमाण बाहर का तमो प्रधान वातावरण मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों में भारीपन होगा। जो बाहर का वातावरण है, जो बाहर आत्माएं हैं, उनका वातावरण कैसा है, वो कैसे संकल्पों के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं, किसी के अंदर अहंकार है, किसी के अंदर ईर्ष्या है, किसी के अंदर घृणा है, किसी के अंदर नफरत है, किसी के अंदर हो रहा है मैंपन, मेरापन हो रहा है, तो बाहर का वातावरण तमो प्रधान है, मतलब कि इम्प्योर है। जितना बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना आप बच्चों के संकल्प, हम आत्माएं जो मेडिटेशन कर रही हैं परमात्मा से जुड़ करके और इस ज्ञान को जो हम अपना रहे हैं अपने जीवन में, संकल्प भी, कर्म, संबंध और के साथ जो संबंध होंगे, वो भी लाइट होते जाएंगे। हम भी ज़्यादा भारीपन नहीं, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कब, मैंने इतना किया, ये किया, वो किया, मेरे को क्या मिला, ये संकल्प नहीं करेंगे हम। तो हम संकल्प से और साथ ही साथ कर्म से और संबंध में जब आएंगे, तो ना खुद भारी होंगे ना औरों को भारी करेंगे, लाइट होते जाएंगे। और लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा, चाहे वो घर का कार्य हो, चाहे इंस्टीट्यूशन का, चाहे बिजनेस जगह का हो, चाहे ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर हो, चाहे माउंट आबू हो, हर जगह कार्य हल्का चलता रहेगा। कारोबार का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा, जो भी कारोबार चल रहा है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हल्के हो। यही स्थिति बाप समान स्थिति है, आपने प्यार से कर्म किया, सेवा करी एंड डिटैच्ड, यानी कि वेट किया कुछ तो मिले, कुछ तो पाऊं मैं, मैंने इतना काम किया है, कुछ तो कोई बोले बड़ा अच्छा किया, ये किया इन्होंने है, ये तो बोले, इसके लिए इंतज़ार नहीं करना, डिटैच हो जाना है ताकि हल्के रहें। और अगर वेट करते रहे, नहीं हुआ, अप्रिसिएशन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कैसे कर दिया, मैंने इतना किया, ये भारीपन है। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम परमात्मा जैसे हल्के बने, इसके लिए आप ब्रह्मा कुमारी इसका 7 दिन का कोर्स करें और इस विद्या को, इस विजडम को अपने जीवन में कैसे अपनाना है, हल्का कैसे रहना है, इसको सीखें। इसके साथ ओम शांति।